पंजाब दे दो सके भरावां दी हैरान कर दी कहानी। जहाज दे पहिए च लुक के पहुंचे सन इंग्लैंड। -60 डिग्री तापमान, 40,000 फुट की उचाई ते जहाज की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 घंटिया की फ्लाइट तो बाद आखिरकार पहुंचे इंग्लैंड। पूरी कहानी तुहानू दसदे हां। साल 1996 अक्तूबर का महीना ते दो भरा विजय सैनी अते प्रदीप सैनी दोवें इंग्लैंड जाना चाहते सन, विदेश जाना चाहते सन। मजबूरी सी पर उन्हां कोल ना तो पैसे सी ते ना ही उन्हां कोल वीजा, पर उन्होंने मंच धार ली कि वह इंग्लैंड जरूर जाएंगे। पहले एक एजेंट को गए तो एजेंट ने कहा कि वह लगेज वाली थान ते तुहानू लुको के भेज देगा, पर उसने ठगी कर ली। जिस तो बाद दोवें भरा बस चढ़ के दिल्ली पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। उन्हां कोल ना तो वीजा हुंदा है ते ना ही उन्हां कोल पैसे हुंदे ने कि वह इंग्लैंड जा सकन, पर वह एयरपोर्ट के आले दुआले घूमना शुरू कर देंदे ने। 10 दिन तक एयरपोर्ट के आले दुआले घूमते ने, रेकी करते ने ते राह लभदे ने कि किवें वह एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो सकन, क्योंकि मेन दरवाजे ते तां सिक्योरिटी सी। हालांकि अज के मुकाबले काफ़ी सुरक्षा घट सी ते किवें ना किवें 10 दिनों की रेकी तो बाद उन्होंने एक राह लभ जांदा है एयरपोर्ट के अंदर जाण दा। तो पहुँच जाते हैं उस थान से जितों जहाज टेक ऑफ करते हैं। रात का वक्त सी, ब्रिटिश एयरवेज का जहाज सी, लंडन जाने लई तैयार सी। पहले तो की प्लैनिंग के मुताबिक वो जहाज के लैंडिंग गेयर वाली थान से लुक जाते हैं। लैंडिंग गेयर च इन्नी कु थान होंदी है जिथे एक बंदा लुक सकता है, इस करके दोवें भरा अलग अलग दोवां लैंडिंग गेयर वाली थान से छुप जाते हैं। लैंडिंग गेयर वो थान होंदी है जिथे जहाज का पहिया टेक ऑफ होने तो बाद बेंड हुंदा है, भाव के फोल्ड होकर उस थान पर चलिया जाता है। ब्रिटिश एयरवेज का जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा सी ते देखते ही देखते हो 40,000 फुट की उचाई तक पहुँच गया, जिथे ऑक्सीजन नामात्र सी अते तापमान -60 डिग्री। 0 डिग्री ते बर्फ जम जाती है ते -60 डिग्री ते तुसी सोचो कि की हाल हुंदा होगा। बिना ऑक्सीजन के -60 डिग्री तापमान, 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ते 40,000 फुट की उचाई, दोवें भरा जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे सन। 10 घंटे की फ्लाइट ते 10 घंटे की फ्लाइट दोवां भरावां ते भारी पै रही सी, एक एक मिनट मसा निकल रहा सी। आखिरकार दोवें भरा बेहोश हो जाते हैं। 10 घंटिया बाद फ्लाइट दिल्ली तो लंडन के हीथ्रो हवाई अड्डे पहुँचती है। जदों सारे यात्री हवाई जहाज के उतर जाते हैं, लगेज भी कढ़ लिया जाता है, तो फिर उतों के क्रू मैंबरस को पता लगता है कि एक व्यक्ति जहाज के लैंडिंग गेयर वाली थान पर लुकया होया सी। तुरंत उसनू बिना कुछ सोचे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। 4 दिन तक प्रदीप सैनी का इलाज किया जाता है ते जदों उसनू होश आउंदी है तां वह देखता है कि वह डॉक्टर ते नर्सां दे विचाले घिरिया होया सी। सब तो पहला उसका सवाल यही हुंदा है कि उसका भरा कित्थे है, क्योंकि उदों तक किसी नूं नहीं सी पता कि दूजे लैंडिंग गेयर दे विच उसका भरा भी लुकया होया सी। इस दी सूचना पुलिस नूं भी दित्ती जांदी है ते फिर पुलिस नूं इक कॉल आउंदी है जिथे रिचमंड इलाके दे विचों एक डेड बॉडी मिलती है ते उसकी पहचान प्रदीप सैनी नूं करवाई जाती है, तो वह प्रदीप सैनी का भरा विजय सैनी हुंदा है। दरअसल लैंडिंग तो पहला ही विजय सैनी जहाज तो हेठां डिग जाता है ते उसकी मौत हो जाती है। प्रदीप सैनी नूं बहुत दुख हुंदा है कि उसका भरा जिउंदा नहीं बचा। प्रदीप के गैर कानूनी ढंग नाल इंग्लैंड पहुंचण ते उस खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है कि वह गैर कानूनी ढंग नाल इंग्लैंड क्यों आया, जिस तो बाद वह यह दसदा है कि पंजाब दे विच खाड़कूबाद के दौरान उसनू पंजाब पुलिस तो खतरा सी अते कदम भी उसने पुलिस तो बचण लई चुकिया सी। कई साल केस चलण तो बाद आखिरकार 2014 दे विच प्रदीप सैनी नूं इंग्लैंड की रेजिडेंस मिल जाती है अते वह उत्थे ही बस जाता है, उत्थे ही विआह करवा लैंदा है, बच्चे हुंदे ने ते उत्थे ही वह कैब चलाउण लग पैंदा है। इंग्लैंड पहुंचण तो बाद प्रदीप 10 महीनों बाद मिरर नूं
एक इंटरव्यू दिता है जिस दे विचो दसदा है कि शोर बहुत भयानक सी, आवाज़ बहुत ज़्यादा सी, जिस पहिए उपर वो सी वो बहुत गर्म सी, उसनू साड़ रहा सी, व्हील हाउस कंब रहा सी ते ये भूचाल वर्गा सी। उसका कहना सी कि उसनू ये दुख है कि उसके भरा की मौत हो गई, जे असी दोवें जीउंदे हुंदे तां ये कहानी होर होनी सी। प्रदीप अते विजय की यह कहानी हमेशा याद की जाती रहेगी कि किमें ये दोवें भरा पंजाब तो इंग्लैंड पहुँचे, उस थान लुके जिथे लैंडिंग गियर हुंदा है, जिथे जहाज़ का टायर फोल्ड हुंदा है, अते -60 डिग्री तापमान, जिस थान ते बंदा जीउंदा नहीं रह सकता, जिस थान ते ऑक्सीजन भी नहीं सी, 40,000 फुट की उचाई सी, -60 डिग्री का तापमान सी, ते फिर भी इस दे बावजूद ये दोवें नौजवान दोवें सके भरा इंग्लैंड पहुँच जाते हैं। हालांकि प्रदीप सैनी जीवन बच जाता है तो उसके भरा विजय सैनी की मौत हो गई।